आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के लालगंज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले 3 दिवसीय दशहरे मेले के दौरान रामलीला मंच पर जमकर अश्लीलता परोसी गई थी। मंच पर विराजमान भगवान राम लक्ष्मण व सीता देवी के समक्ष बार बालाओं के डांस से वहां मौजूद आम श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, लेकिन आयोजकों ने इस धार्मिक कार्यक्रम में बिना किसी की परवाह करते हुए अश्लीलता को परोसा था और मंच पर ही सभी के सामने बार बालाओं का डांस कराया था। इसका वीडियो वायरल हो गया था। मामले को 3 दिन बाद संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोनू गुड्डू सोनकर समेत 11 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अश्लीलता का मुकदमा दर्ज किया गया है और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजकों को कड़ी चेतावनी दी गई कि आगे से अगर इस तरीके की हरकत की गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवगांव में ये अश्लील डांस के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 293/22 धारा 294 कायम किया गया, जिसमें सोनू व गुड्डू सोनकर के समेत 11 लोगों के विरुद्ध कायम किया गया है। नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को हिदायत भी दी गई है और साथ में पुलिस बल को भी इन लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया है कि किसी तरह का इस तरह का भविष्य में ना होने पाए, और इन लोगों को बताया भी जा रहा है और जहां भी अगर इस तरह का संज्ञान में आएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।